हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इन दिस न्यू वीडियो। ये होने वाला है आपका फेवरेट टॉपिक, स्पेशल गैप टॉक वीडियो। सो आज का वीडियो ना एकदम ही नया है और ये जो वीडियो है वो रियल स्टोरी पर बेस्ड है। तो जितने भी लड़का और लड़की जो दोनों भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमेशा अलर्ट रहें। और जितने भी लोग होते हैं हमारे आसपास, ज़रूरी नहीं कि वो सारे लोग ही बहुत अच्छे हो, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। तो आप लोग को ऐसे लोगों को करना है आइडेंटिफाई और उससे, उन लोगों से दूर रहना है ताकि आप सेफ रह सके, आपकी फैमिली सेफ रह सके। सो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। सो मैं अभी रेडी वेडी हो करके अपने गेटअप में आती हूँ और ये स्टोरी बेस्ड है। इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो 250 लाइक्स है, आप इजीली कर दोगे। अगर वीडियो को आप देख रहे हैं, पसंद आ रही तो लाइक करिए, शेयर सब्सक्राइब करिए एंड शेयर जरूर करिए। और लाइक कमेंट एंड प्यारा सा कमेंट आप जरूर करिए, बिकॉज आप लोग के कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा लगता है। और हाँ, सबका माइंड यूनिक होता है, अगर मेरे वीडियोस में कुछ थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट टाइम आप ऐसा करिएगा, या इसमें ये कमी रह गई, या आपको जैसा वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग हालांकि कमेंट करते हो तो वो कमेंट पढ़ के मैं अपने आप में सुधार लाती हूँ, इम्प्रूवमेंट लाती हूँ, और मुझे पता चलता है कि आप लोग को किस टाइप के वीडियो चाहिए। तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करना एंड लव यू ऑल। आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो मैं जल्दी से आती हूँ, बाय बाय, मिलते हैं वीडियो में। हेलो, हाँ शुभांगी, कैसी हो? हाँ एक्चुअली मुझे ना आपसे एक बात शेयर करनी शुभांगी, क्या मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ? मुझे ना बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है। एक्चुअली क्या है ना, जो मैंने जो एक लड़के का इंटरव्यू लगाया था, हाँ, रोहन नाम का जो था, हाँ, वह एक्चुअली ना मुझे मैसेज वगैरह कर रहा है, ये है वो है, और काफ़ी अच्छा लड़का है। मैं ना उसके साथ एक महीने से रिलेशनशिप में हूँ, बार बार वो मुझसे बोल रहा था कि मैं आपको लाइक करता हूँ, ये है वो है। तो मैंने कहा कि ठीक है, बट मेरी तो अभी ना शादी की एज हो गई है, तो आप लोग बताइए, अगर आपको अपनी मम्मी से बात कर लो, घर पे शादी ही करेंगे क्योंकि अब एज हो गई है शादी वादी। अच्छा हाँ, तो उसने ना मुझे मिलने बुलाया है, तो देखते हैं क्या होता है, ये है वो। चलो ठीक है, बाय, मैं बात करती हूँ। अरे नहीं, वो अच्छा लड़का है, मैं उसे जानती हूँ, ये है। हाँ, चलो अच्छा शुभांगी, ठीक है बाय। हाँ, ठीक है बाय। हेलो, हाँ शुभांगी, आज ना मैं पता है उससे मिलने गई थी मॉल में, वो बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, मुझे लगता है परफेक्ट है हस्बैंड मटेरियल। हाँ अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं है जैसा तुम बोल रही हो, हाँ जानती नहीं हूँ, बट हाँ काफ़ी अच्छा आईटी कंपनी में है, देखने में तो मतलब जेंटलमैन लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो मिलते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन हाँ वैसे तो बहुत केयर करता है, बहुत ही ज़्यादा, तो मुझे नहीं, आप गलत हो, वो सही है। हाँ वो तो बात सही है, हाँ वैसे तो वो बहुत अच्छा है, पूजा करता है, केयर करता है सबकी, बहुत अच्छा है, मेरी बहुत केयर करता है, हाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हाँ तो हाँ, चलो ठीक, बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, पार्टी दूंगी, डोंट वरी, शादी में आना अच्छे से, फंक्शन मेरे शामिल होना अच्छे से। हाँ, ठीक, अच्छा, ठीक है, बाय बाय बाय। हेलो, हाँ शुभांगी, पता है आपको, हाँ उसका बर्थडे है ना, तो उसने मुझे बुलाया है अपने रूम पर, हाँ, और वो बोला था कि साड़ी पहन कर आना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अच्छा नहीं ऐसा नहीं, मुझे विश्वास है, ये है। हाँ मुझे तो हाँ बिलीव है, देखो भरोसा करना चाहिए तभी लाइफ आगे बढ़ती है। हाँ, नहीं परेशान मत, तो सही है, विश्वास करना चाहिए इस सब, मतलब अगर रिलेशनशिप आगे बढ़ा तो विश्वास करना चाहिए, रिलेशनशिप ऐसे ही आगे बढ़ता है, विश्वास करना चाहिए। नहीं मुझे पता ना, मुझे पूजा करता है, अच्छा लड़का है, तो मुझे लगा कि वो सही है। नहीं, ऐसा कुछ गलत नहीं है, मैंने खुद देखा है, हाँ मैंने तो उसका इंटरव्यू लगाया था। अच्छा, हाँ, अच्छा
आईटी कंपनी में है, 1.5 लाख सैलरी है। वाह, है ना। हाँ परेशान मत हो, जैसा होगा मैं बताऊँगी, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा ठीक है, बाय बाय बाय। Oh, my God.
बहुत ही गलत किया रोहन ने मेरे साथ, अब मुझे यहाँ से निकलना। थैंक गॉड भगवान मुझे बचाने के लिए, थैंक यू सो मच। गाइज आप लोग बताना ये वीडियो कैसा लगा है, मुझे तो लगता है बहुत अच्छा लगा है होगा आप लोगों को। एंड या आप लोगों ने अपना लेसन सीख लिया, अगर नहीं सीखा है अभी तक तो इस वीडियो को बार बार देखो और देखो कि मैं क्या कहना। इजीली कभी भी किसी पे ट्रस्ट करके किसी के भी प्राइवेट प्लेस में नहीं जाएंगे, स्पेशली गर्ल्स एंड बॉयज़ भी नहीं जाएंगे, बिकॉज बॉयज़ को भी हार्म हो सकता है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हाँ कॉमेंट ज़रूर करना। तो देखा आपने कैसे ही एक लड़की के विश्वास को बहुत ही बुरी तरीके से उसका विश्वासघात किया गया। और आप लोग इस वीडियो से, इस स्टोरी से आपको क्या समझ आया कि कभी भी किसी पर आंखें बंद करके भरोसा मत करें। अगर आप किसी को डेट करते हैं ऑनलाइन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो प्लीज़ आप अच्छे से, अगर उससे मिलना है तो साल दो साल जब तक आपका ट्रस्ट बिल्डअप ना हो जाए तब तक आप उसे सोशल प्लेस पे ही मिले, मॉल्स वगैरह पे। एंड कभी भी किसी के प्राइवेट प्लेस में ना जाए, स्पेशली लड़कियों और लड़कों को भी यही एडवाइस दी जाती है, क्योंकि जैसे ही लड़कियों को हार्म है वैसे लड़कों को भी हार्म हो सकता है। बिकॉज कोई लड़की अगर गलत हुई तो आपको ही इस कंडीशन में कर सकती है एंड आपसे लूट पाट कर सकती है, आपके मनी को आपको हार्म कर सकती है, आपके मनी को आपके फैमिली को भी हार्म कर सकती है। तो प्लीज़ ऐसे किसी से भी प्राइवेट प्लेस में बिल्कुल भी ना मिले। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके मुझे बताइएगा, एंड ओवरऑल आपको स्टोरी कैसी लगी है, एंड अगर कुछ कमी रह गई हो तो मुझे कमेंट करके बताना। और नेक्स्ट वीडियो कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए, एंड जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे सेम नेक्स्ट वीडियो वही बनाऊंगी। तो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड हाँ, लड़का और लड़की दोनों को हार्म है, एंड प्लीज़ स्टे सेफ एंड बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड अदर ऑल्सो। जय हिंद, बाय बाय। हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही मैं आगे वीडियो बना पाऊंगी। एंड आप लोग कमेंट करना, लाइक करना, लाइक का जो टारगेट है 250 है, आप इजीली पूरा कर दोगे मुझे विश्वास है। एंड हाँ, कमेंट जरूर करना, लाइक करना, कमेंट इसलिए क्योंकि आप लोग कमेंट करके बताओगे ना कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा आप लोगों को चाहिए, है ना, बताओगे ना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।